बेटा, तुम्हारे लिए हमारे फैमिली के एक मेंबर ने बहुत ही अच्छा सा चीज पढ़ने के लिए दिया है। पढ़ सकती हो क्या? अरे मुझको ये नहीं समझ में आता कि सभी के सभी लोग मुझको पढ़ने के लिए ही क्यों देते हैं। कोई कुछ खाने पीने के लिए दे दिया करो, गरीब हूँ, बद्दुगाल। अरे दुगा लगेगी मेरी। बेटा ये देखो, तुमको यही पढ़ना है। इन लोगों को लगता है कि अंग्रेजी नहीं आती है। तुम भी मेरा नाम थोड़ा रोशन कर दो, दिखा दो इन लोगों को भी। अरे माई है, अरे चाचा, अरे इतना खतरनाक ये लिखे हैं। यहाँ पर पहला लिखा हुआ है, हाँ, जो पहला लिखा हुआ है उसे लगता है कि उनको अंग्रेजी आती है, और दूसरा जो लिखा है वो भी ठीक ठाक ही लिखा हुआ है, उससे भी पता चलता है इनको अंग्रेजी आती है। तीसरा की बात करें तो लिखा हुआ है काव्या, हाँ, काव्य। तीसरा लिखा हुआ है काव्या और चौथा लिखा हुआ है रिया। अरे वाह वाह वाह, अरे पापा, ये लास्ट में तीसरा और चौथा, इनकी कितनी अच्छी अंग्रेजी है। वाह 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 भाई, मेरी जो मेरे से भी स्ट्रांग अंग्रेजी इनकी है। बहुत ज़्यादा ये लगता है ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी में पढ़े हैं। काव्या दिया, अरे भाई रे, अरे वाह अंग्रेजी वाह। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग अपने जो कुछ टॉप प्लेयर्स हैं उनको नहीं देखने वाले हैं। जी हाँ, हम लोग देखने वाले हैं अपने जो कुछ टॉप नूब्स प्लेयर होते हैं उनको देखेंगे। और फिर अगर मान लीजिए इसमें से कोई भी कंडीशन किसी के भी साथ मैच करती हो तो इसको यार सीरियस में मत लीजिएगा, आप लोग फनी वे में लीजिएगा, तभी मज़ा आएगा वीडियो का, क्योंकि इसमें से कुछ कंडीशन मेरे साथ भी मैच करती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ यार आँख नाक मुंह हाथ पैर सभी के साथ सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर जो साइड में घंटे का बटन है उसको दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें से जो हम लोगों के फर्स्ट नूब आते हैं वो लोग ऐसे होते हैं कि वॉर को वो लोग बहुत ही सिंपल समझते हैं, और फिर नॉर्मली अटैक करने के लिए जाते हैं बिना सीरियस हुए। और फिर जब ये लोग वॉर में अटैक करने के लिए जाते हैं तो इन लोगों के पास अगर आप लोग देखोगे तो हीरोज़ जो रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का रहेगा, ट्रूप्स भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल रहेंगे, और फिर जो स्पेल है वो तो पूरा मैक्स करके। और फिर जब किसी का हीरो जितना ज़्यादा मैक्स रहे, ट्रूप्स भी इतना ज़्यादा मैक्स रहे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और फिर किसी भी बेस पर अगर अटैक करने लगते हैं तो वो लोग बेस को बहुत ही ज़्यादा सिंपल समझ लेते हैं। जैसे कि अगर आप ये लोग अटैक देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये बंदा इजिली 3 स्टार मार देगा, क्योंकि इसके पास हीरोज जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। वार्डन तो भाई साहब 38 लेवल बहुत ही ज़्यादा है। और फिर जब ऐसे बंदे अटैक करने के लिए जाते हैं तो ये लोग स्पेल का प्लेसमेंट इतना खतरनाक तरीके से करते हैं कि सामने वाले की भी फट जाए। तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल होगा कि इस बंदे ने वार्डन को क्यों नहीं यूज़ किया। तो अभी रुकिए, जरा रुकिए, कहाँ पर इतनी जल्दी जा रहे हैं। ये देखिए, इस बंदे ने वार्डन को यूज़ किया है। तो ऐसे बंदे आप लोगों को अपने क्लैन में आसानी से मिल जाएंगे। इस बंदे के पास इतना ज़्यादा हीरोस मैक्स था, ये आसानी से इस बेस पर 3 स्टार फोड़ सकता था, लेकिन अब इस बंदे को 2 स्टार के लिए जाना पड़ेगा किसी तरीके से। तो ऐसे लोग भी मिल जाते हैं आप लोगों को जो कि अपने वार्डन को बचा करके रखते हैं, सोचते हैं वो घर पर लेकर के जाएंगे, फिर देखेंगे जब 1 स्टार आ रहा है तो उसको यूज़ कर लेते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी हीरो की जो एबिलिटी यूज़ करते हैं वो भी बहुत ही खतरनाक रहती है। पहले वार्डन की एबिलिटी दे दिए, फिर उसके बाद जो किंग की एबिलिटी है उसको दे रहे हैं, वाह। अब इसके बाद जो सेकेंड टाइप के नूब आते हैं वो लोग मेरे जैसे लोग रहते हैं। उन लोगों की भी एक बहुत ही बड़ी खासियत रहती है, जब हम जैसे नूब अटैक करने के लिए आते हैं तो यहाँ पर वो लोग सबसे पहले बेस को देखते हैं। बेस देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, और फिर पूरा अपने जोश के साथ अटैक स्टार्ट कर देते हैं। और फिर जो ऐसे नूब रहते हैं वो लोग बेस पर इजिली 3 स्टार कर सकते हैं, कर पाते नहीं हैं। उसका रीज़न मैं आप लोग को बताता हूँ, क्योंकि हम लोगों को टाइम कम पड़ जाता है। हम जैसे काफ़ी नूब आप लोगों को मिल जाएंगे जिनके साथ टाइम का पंगा होता है। अब इस बेस पर इजिली 3 स्टार आ सकता था लेकिन आया नहीं यहाँ पर, क्योंकि यार यहाँ पर हम लोगों के पास टाइम का पंगा है। देख रहे हो कितना कम टाइम देते हैं, सुपर सेल सिर्फ 3 मिनट देती है। कम से कम जब अच्छा अटैक जा रहा है तो बंदे को 3 मिनट 10 सेकंड देना चाहिए, 3 मिनट 20 सेकंड देना चाहिए। लेकिन भाई साहब कहा ही क्या जाए,
यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये कलयुग का बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। अगर बंदे का अटैक अच्छा जा रहा है तो उसको 10 सेकंड नहीं मिल सकता है, इतना अच्छा मेहनत से वो गधों जैसी मेरा मतलब मेहनत के साथ वो अटैक किया है। लेकिन यहाँ पर 10 सेकंड की बात दूर, 1 सेकंड भी नहीं मिलता है। कलयुग आ गया है भाई, कलयुग आ गया है, अब तो नहीं रहा जाता। अब इसके बाद आप लोगों को कुछ ऐसे नूब मिलेंगे जो कि इस लालच भरी दुनिया में लालच से भरे हुए होते हैं, जैसे कि मैं भी, मतलब मैं नहीं हूँ यार। और फिर हम जैसे लोग किसी भी क्लैन में चले जाते हैं और अगर उस क्लैन में कुछ हम लोगों को ऐसा देखने को मिलता है, हाई लुक फॉर जेम्स, तो वहाँ पर इस बंदे के लिए बोलेंगे, यस आई वॉन्ट टू जेम्स, आई एम वेरी गरीब, मेरा बाप गरीब, मेरा दादा गरीब, मेरा चाचा गरीब, सब कुछ गरीब, तो चलिए चलते हैं www। ये वहाँ पर एक वेबसाइट मिलेगी, उसके बाद जा कर के इसको क्रोम पर बढ़िया से सर्च करेंगे www.james.com। और फिर इसके अंदर जब जाएंगे तो आप लोगों को अकाउंट के बारे में सब कुछ पूछा जाएगा, वहाँ पर आप लोग बहुत ही अच्छे से फील करोगे, अच्छी हैंड राइटिंग के साथ। लेकिन जैसे ही आप लोग पूरे फॉर्म को फील कर दोगे तो आप लोगों के पास एक सुपर सेल बहुत ही अच्छा मैसेज भेजेगी कि आपका अकाउंट जो है वो बैन हो चुका है या फिर लॉक हो चुका है। तो कभी भी आप लोग अपने ज़िंदगी में ऐसा न करिएगा, लालची बनिए मेरे मतलब मुझको छोड़ कर यार, लालची बनिए सही बात है, लेकिन मेरे जैसा नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, मेरे जैसा ही बनिए, कोई बात नहीं है। और सिर्फ अब इतने पे ही बात ख़त्म नहीं होती है, आगे चल करके आप लोगों को कुछ लेजेंड्रा नूप्स प्लेयर मिलेंगे, जैसे कि मैं। अब जो हम जैसे लेजेंड्रा नूब प्लेयर्स रहते हैं वो लोग किसी भी बेस को देखने के बाद बोलते हैं, ये इतना नल्ला बेस दिए हैं, वो भी लेजेंड लीग में, क्या मजाक चल रहा है यार, इसमें तो मैं 3 स्टार नहीं 4 स्टार या 5 स्टार लेते आऊँ, यहाँ से भी घुसूंगा तो भी आ जाएगा, लेकिन उधर साइड से घुसूंगा तो 2 स्टार कम से कम कन्फर्म रहेगा, इज्जत बचेगी। लेकिन यहाँ पर इज्जत बचाने की बात दूर है, यहाँ पर हम लोग रहते हैं नूब प्लेयर, तो इसीलिए अटैक को स्टार्ट करते हैं तो अपना जो हीलर रहता है उसकी वॉट लगने लगती है, क्योंकि क्वीन जो है वो कहीं और पर जाने लगती है, तो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है क्वीन के ऊपर। अब अपनी इज्जत को हम लोग बचाने के लिए किसी भी तरीके से 2 स्टार की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर सभी ट्रूप्स को फट रखना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर जब हम लोग ऐसे बेसिस पर अटैक करने लगते हैं तो हम लोगों के लिए मतलब इतना नॉर्मल रहता है कि ऐसे समझ रहे ना, कैसे ऐसे करके 3 स्टार आ जाएगा। लेकिन जैसे कि हमारे बूढ़ों कह गए हैं कि अगर तुम किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से चाहोगे तो वो तुमको नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर फिर अटैक करने के लिए हम लोग किसी तरह के से इसको छोड़ते हैं कि 2 स्टार आ जाए, लेकिन किस्मत हमारी साथ नहीं देती है। और फिर यहाँ पर देख सकते हो कितना ही ज़्यादा टाउन हॉल बच गया हम लोगों का, बहुत ही थोड़ा सा, तो इसलिए बोला जाए कि किस्मत का रोना तो क्या करेगा कोरोना। अब इसके बाद ये लोग इस अटैक को शेयर करते हैं क्लैन में, और फिर मालूम है क्या बोलेंगे, भाई अगर ये जो विच है और फिर बॉलर है ना, अगर सिर्फ ये टाउन हॉल के पास पहुंच गया होता तो मेरा इजली यार 3 स्टार था, 3 स्टार क्या 4 स्टार इजली था, लेकिन इसके वजह से नहीं हो पाया। अब आप लोगों को और भी ज़्यादा खतरनाक नूप यहाँ पर मिलेंगे, वो लोग ऐसे होते हैं कि अगर किसी के पास 6 बिल्डर देख लिए या फिर किसी का डार्क इलिक्सर जो है वो फुल है, तो उसके लिए वो लोग बोलेंगे, भाई तुम 100-200 जेम्स ज़्यादा ले लो, 300 जेम्स मैं दे दूंगा, लेकिन किसी तरीके से अपना 1 बिल्डर मुझको दे दो यार, भाई प्लीज़ यार किसी तरीके से अपना 1 बिल्डर मुझको दे दो, मैं भी अपना जैसे ही अपग्रेड हो जाएगा सब कुछ उसके बाद तुमको वापस लौटा दूंगा यार, तुमको ज़्यादा जेम्स भी दे दूंगा, किसी तरीके से दे दो। अगर मान लीजिए वो लोग बिल्डर बोलते हैं कि भाई नहीं दे सकता हूँ, तो बोलेंगे कि भाई अच्छा जो डार्क इलिक्सर है उसको ही दे दो, उससे काम मैं चला लूँगा। और फिर अगर सामने वाला बंदा देने से मना कर देता है तो बोलते हैं, भाई हो गई ना दोस्ती यही प्यार, बीच में आ गया तुम्हारे बिल्डर और फिर इलिक्सर का दरार, बस यही तुम्हारी दोस्ती थी। और इसके बाद आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लेजेंड्रा नूप मिलेंगे जो कि ऐसे रहते हैं कि बस आज के लिए इतना ही, चलिए चलता हूँ, बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग खेलते रहिए क्लैश ऑफ क्लैन और फोड़ते रहिए सभी का बेस।